गौ सक्षम फाउंडेशन अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे गरबा का आयोजन करते हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग अनाथ आश्रम के बच्चे यहाँ पे आए हैं और इस गरबे का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं तो करते हैं, लेकिन जय जितेंद्र सक्षम फाउंडेशन लगातार 11 सालों से इन बच्चों के लिए हर साल यहाँ पे गरबा महोत्सव करता है और ये बच्चे इसका मस्ती से एंजॉय करते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। चीफ गेस्ट के तौर पे आपने बोला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मैं खुशी मानता हूँ कि ये जो इवेंट है ऐसा इवेंट लाइफ में हमेशा कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि ये जो इवेंट करना और सोचना बहुत बड़ी बात है और मैं आभार मानता हूँ कि मुझे इसमें चीफ गेस्ट के तौर कर रहे हैं कि हम बच्चों के साथ खेल सके आराम से। बस इससे ज़्यादा खुशी मिल ही नहीं सकती, किधर जितना प्यार मिलेगा वहाँ किसी से भी नहीं मिलेगा। ये 11वां साल है हम कंटिन्यूसली इस टाइप का प्रोग्राम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। इन बच्चों की स्माइल देखिए आप, इन बच्चों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करना हमें बहुत गर्व फील हो रहा है। वो लोग बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं बट जब इन बच्चों के लिए इनको यहाँ पे डांस करते हुए देखते हैं तो शुभ महोत्सव की पूरी टीम देख के बहुत प्राउड फील करती है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे सब सपोर्टर्स का, इन बच्चों की खुशी हमें ही हमारे। भरत जैन शुभ महोत्सव से। हमारी ये टीम पिछले 11 साल से ये इवेंट कर रही है और ये इवेंट हम भाईंदर वेस्ट में करते आ रहे हैं। हमने शुरुआत की थी 200 बच्चों से, आज हमारे पास 1000 से अधिक बच्चे हैं जो अनाथ है और हम ये अनाथ बच्चों के लिए गरबा ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ये भी हम हमारे समाज से जुड़े। हम अनाथ आश्रम में जाकर सब दान दर्पण करते हैं बट इनके साथ समय नहीं व्यतीत करते और हमारे साथ गरबा नहीं खेल पाते, तो हमने सोचा इनके से इनको बुला कर इनके साथ गरबा खेला जाए और इनको एक नॉर्मल लाइफ जैसी ट्रीट किया जाए और ये चाहता हूँ कि सोसाइटी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म हो। सक्षम फाउंडेशन और शुभ महोत्सव ये कंबाइन होके ये फर्स्ट टाइम सक्षम फाउंडेशन फर्स्ट टाइम शुभ महोत्सव के साथ जुड़ा है और शुभ महोत्सव ये जो इवेंट है वो लास्ट 11 साल से अनाथ बच्चों के लिए ये महोत्सव करते जा रहे हैं, नवरात्रि का फंक्शन रख रहे हैं। ताकि अगर हम देखें तो नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग बिल्डिंगों में अलग अलग ग्रुप वाले अलग अलग इवेंट होते हैं, कोई फाल्गुनी बाटा को बुलाता है, कोई किसको बुलाता है, बट ऑर्फेन बच्चे वो अनाथ आश्रम में ही रहते हैं, वो इस फंक्शन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बट ये एक पहल है जिस पहल के थ्रू हम अनाथ बच्चों को भी ये सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। वो आके घर से बाहर आके अनाथ आश्रम से बाहर आके कोई ग्राउंड में आके वो भी उनके दोस्तों के साथ अलग अलग लोगों के साथ में गरबा सेलिब्रेट कर सकते हैं और ये फंक्शन इंजॉय करें। लास्ट 11 साल से इस मुहिम को हम चलाते जा रहे हैं। जय जिनेंद्र इवेंट ग्रुप के बच्चे जब कॉलेज में जाते थे इनका जन्मदिन होता था तो अनाथ आश्रम में जाके ये अपना जन्मदिन मनाते थे, तभी इनके मन में एक सोच आई क्यों नहीं इन बच्चों को भी हम नवरात्रि में जैसे हम लोग